डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। 12वीं पास के लिए एसएससी में नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया में भाग लें और आवेदन करें। उम्मीदवार ssc.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। एसएससी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना आवश्यक है। नोटिफिकेशन में पदों की संख्या नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित है, जबकि और सभी वर्ग के लोग व महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं है। एसएससी के इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के द्वारा होगा। इसके लिए 2 एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि आयु की गणना 1/1/2021 के अनुसार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है। वहीं अगली खबर, नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। मंगलवार को किसान संगठनों के भारत बंद के बाद खुद गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किसानों को मनाने की कमान अपने हाथों में ली और 13 किसान संगठनों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की देर रात तक बैठक चलती रही। लेकिन करीब 1.25 घंटे तक चली बैठक में भी कोई अंतिम हल नहीं निकल पाया और सरकार किसान संगठनों के बीच छठे दौर की होने वाली बातचीत भी स्थगित कर दी गई। किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति के सदस्य श्री शिव कुमार शर्मा काका जी ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक में किसान संगठनों के 13 मुखिया थे। गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक में अब तक सरकार के से 5 राउंड की जो चर्चा हुई थी उसी चर्चा का रिपीटेशन हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आप जो संशोधन करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, हम अनेक प्रकार के संशोधन करने को तैयार हैं। इस पर हमने कहा कि संशोधन नहीं, कानून वापसी हो। इस पर सरकार कह रही है जब उसमें कुछ रहेगा ही नहीं तो उस कानून को क्यों वापस लेने की मांग कर रहे हैं। असल में जो 5 दिन से बातचीत हो रही थी वही अमित शाह जी के साथ बैठक में भी हुई। सरकार ने अपना स्टैंड रखा और कहा कि संशोधन करा लीजिए। इस पर किसानों ने कहा कि अध्यादेश लाने से पहले आपको किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इस पर अपनी गलती मानी और कहा कि हम आगे ठीक कर लेंगे। मैंने यह भी कहा कि अध्यादेश बहुत इमरजेंसी में लाते हैं और कृषि से जुड़े विषयों पर अध्यादेश लाना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है। बैठक के आखिर में गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि चलिए एक काम करते हैं कि हम अपनी ओर से एक प्रपोजल बनाकर भेजते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कौन कौन से 5 संशोधन कर रही है और कैसे कर रही है। इस पर हमने कहा कि अगर आप ज़बरदस्ती भेजना ही चाहते हैं तो भेज दें, मगर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम कानूनों को निरस्त चाहते हैं और MSP पर गारंटी चाहते हैं। और बैठक समाप्त हो गई। बैठक में हमने साफ कहा कि किसानों की केवल 2 ही मांग है कि सरकार अध्यादेश निरस्त करे और MSP पर फसल को क्रय करने का गारंटी का कानून बनाए। सरकार ने अनुरोध किया कि एक बार हमारी बात मान लीजिए, हम लोगों ने साफ मना कर दिया। वहीं अगली खबर, अपने लेखन और धर्म पर कटाक्ष व विवादित टिप्पणियों के लिए पहचानी जाने वाली लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के धर्मस्थलों में रोजाना बलात्कार होने का आरोप लगाया है। तस्लीमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस मामले पर तंज कसा। तस्लीमा ने लिखा, बांग्लादेश में रोजाना मस्जिद मदरसे में बलात्कार हो रहे हैं, अल्लाह के नाम पर बलात्कार हो रहे हैं। मदरसे के बलात्कारी शिक्षक बलात्कारी मस्जिद के इमामों का मानना है कि अगर वो 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो उनके गुनाह आज़ाद होंगे क्योंकि अल्लाह माफ़ कर रहा है। बता दें, तस्लीमा नसरीन धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाखंडों को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ उठाती रहती है। इसे लेकर कट्टरपंथियों ने कई बार उनके खिलाफ फतवे जारी कर हत्या की धमकी तक दी है।
यही वजह है उन्हें अपना देश बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और अब वो निर्वासित होकर भारत में रह रही है। साहब हाथ डेली हंट डेली होम धन्यवाद द डॉन एक्सप्रेस।